Hello students, today we will start with the chapter 1 number system. ठीक है, तो हम पहले देखेंगे types of numbers. Numbers कौन कौन से types के होते हैं पहले वो देखेंगे. So first is natural numbers. So natural numbers it is denoted by capital N. इसको denote करते हैं हम capital N से. So what are natural numbers? किसको बोलते हैं natural numbers? Counting numbers. हम counting कहाँ से start करते हैं? 1, 2, 3, 4. So counting numbers are called natural numbers. So n हो गया 1, 2, 3, 4. These are called natural numbers. Then whole numbers. It is denoted by capital W. Numbers starting from zero. जो number zero से start होंगे is called as whole numbers. उसको बोलते हैं whole numbers. जैसे 0, 1, 2, 3, 4 etc. These are called whole numbers. Then integers. Integers it is denoted by Z. तो Z में क्या क्या इंक्लूड होते हैं इंटीजर्स में? जीरो, आपको इधर नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स, एंड टूवर्ड्स द लेफ्ट आपको दिख रहे हैं नेगेटिव नंबर्स. तो ये पूरा मिला के एक कलेक्शन जो होता है जीरो, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स फॉर्म इंटीजर्स. दे फॉर्म इंटीजर्स. ठीक है, देन नेक्स्ट इज रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स मतलब इट इज डिनोटेड बाय क्यू. रैशनल नंबर्स इट इज डिनोटेड बाय क्यू. तो रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स रहते हैं? इट इज अ नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन पी बाय क्यू फॉर्म. जिसको हम पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं. एंड वेयर पी एंड क्यू, और ये पी एंड क्यू क्या होने चाहिए? दीज आर द इंटीजर्स. ये बिलोंग्स टू की साइन है, मतलब ये इंटीजर्स को बिलोंग्स करेंगे. P and Q belongs to integers and Q not equals to zero. और denominator में जो Q है वो equals to zero नहीं होना चाहिए. ठीक है, so rational numbers क्या है? Which can be written in P by Q form where P and Q belongs to integers and Q not equals to zero. ठीक है, तो इसमें example कौन से आ जाएंगे अभी rational number? Zero. ये देखो, जीरो को तुम 0/1 भी लिख सकते हैं. 0/1 क्या होता है? जीरो. सो जीरो इज अ रैशनल नंबर्स. ऑल इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स को अपन 2/1, -11/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स. देन नेक्स्ट इज इरैशनल नंबर्स. इरैशनल नंबर्स डिनोटेड बाय i. तो इरैशनल नंबर्स में क्या आ जाएगा? √2. √2 का वैल्यू क्या होता है? 1.414 डैश. वो चालू ही रहता है उसका डिवीजन, उसका डिवीजन खत्म नहीं होता है. तो इसको हम पी बाय क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि हमको डेसिमल के बाद मालूम ही नहीं है कितने डिजिट्स पे एंड हो रहा है. ठीक है, √2 का वैल्यू. तो वी कैन नॉट राइट √2 इन पी बाय क्यू फॉर्म. वैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, 1.01001001 --. तो यहाँ पर भी वी डोंट नो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है ना, क्योंकि डिवीजन स्टिल इट इज गोइंग. यहाँ पे डिवीजन चालू है. सो वी डिड नॉट एक्सप्रेस दिस इन पी बाय क्यू फॉर्म. इसको भी हम पी बाय क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स. सो नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न इन पी बाय क्यू फॉर्म इज कॉल्ड इरैशनल नंबर्स. द नेक्स्ट इज रियल नंबर्स. इट इज डिनोटेड बाय आर. तो रियल नंबर क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स. कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स इज कॉल्ड एज रियल नंबर्स. ठीक है, थैंक यू.